मुंबई में कमला मिल कंपाउंड में 28 दिसंबर को मौजूद रेस्टोरेंट और वन अबोव पब में लगी भीषण आग ने 14 लोगों की जान ले ली, जबकि कई लोग इस हादसे में बुरी तरह से घायल हुए। इस दौरान स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कई लोगों की जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही इस परिसर के सबसे नजदीक वर्ली पुलिस स्टेशन के जवान फायर ब्रिगेड से पहले पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए थे। वर्ली पुलिस स्टेशन के जवान सुदर्शन शिंदे ने घटना स्थल पर बगैर स्ट्रेचर के लाशें निकाली। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक शिंदे हर बार 7-7 मंजिल ऊपर जाकर 3 लाशें नीचे लाए। सोशल मीडिया पर सुदर्शन शिंदे की यह तस्वीर वायरल हो रही है। घटना पर बात करते हुए खुद सुदर्शन शिंदे ने बताया कि मैं जब ऊपर पहुंचा तो सब कुछ जल चुका था। घटना स्थल पर शराब की बोतलें और गैस सिलेंडर से विस्फोट की आवाजें आ रही थी। वहां कुछ हुक्का रखे हुए थे जो आग को और बढ़ा रहे थे। मुझे एक महिला दिखी जो खांस रही थी, शायद घुटन की वजह से उन्होंने बाद में दम तोड़ दिया। बता दें कि शिंदे के अलावा सूरज गिरी और महेश साबले जैसे पुलिसकर्मियों ने इस दौरान राहत कार्य में बेहद तत्परता दिखाई। बता दें कि मुंबई के कमला मिल कंपाउंड में स्थित एक पब में गुरुवार की रात आग लगने के कारण 14 लोगों की मौत और 21 लोग घायल हो गए थे। बीएमसी आपदा प्रबंधन को देर रात 12:30 बजे कमला ट्रेड हाउस में रूफ टॉप रेस्टोरेंट पब बिस्ट्रो द मोजो में आग लगने की खबर मिली। इस मामले में वन अबोव पब के 2 मैनेजर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए इन दोनों मैनेजर्स का नाम केविन बाबा और लूपस बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 28 दिसंबर की रात जब मौजूद रेस्टोरेंट और वन अबोव पब में आग लगी, उस वक्त ये दोनों वहां मौजूद थे। टीम इंटरलिंक्स।